नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। सबसे पहले देश और विदेश की मंडियों से 10 बड़ी सुर्खियां। कपास की कीमतों में तेजी की खबरें हैं। निर्यात मांग बढ़ने से विदेशी बाजारों में कपास की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी दर्ज की जा रही है। अमेरिका की बढ़ती मांग के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर जहां कपास की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है, वहीं घरेलू बाजार की में भी जल्द ही 10,000 रुपए के ऊपर के स्तर देखने को मिल सकते हैं। मध्य प्रदेश की मंडियों में तुलसी बीज की कीमतों में हल्की बढ़त दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश की मंडियों में तुलसी बीज 20,000 रुपए से 25,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बोला जा रहा है। ऊंचे में 25,000 तक जा रही है। 25,000 है। नीचे में क्या भाव? नीचे में क्वालिटी अनुसार है। अच्छा, 20,000 भी बिक जाए। मंदसौर मंडी के अंदर जो तुलसी बीज है वो 20,000 से 25,000 प्रति क्विंटल के हिसाब से जा रहा है। देखिए, यहाँ जो है ये जो तुलसी बीज है इसकी नीलामी चल रही है और व्यापारी जो है इस उपज को खरीद रहे हैं। इंदौर की मंडियों में नए गेहूं की आवक शुरू हो गई है। फिलहाल 35 से 50 गाड़ियों की आवक देखने को मिल रही है। इंदौर की मंडियों के अंदर गेहूं नीचे में 2,250 रुपए तो ऊपर में पूर्णा क्वालिटी का गेहूं 2,651 रुपए प्रति क्विंटल पर बोला गया है। अभी फिलहाल आवक और बढ़ने की संभावना है। इंदौर की मंडी के कारोबारियों का मानना है कि अगले 10 से 15 दिनों में प्रतिदिन 200 से ज्यादा गाड़ियों की अराइवल देखने को मिलेगी। शुभम जी, कौन सा गेहूं लेकर के आए हम? ये पूर्णा है जी। क्या दाम रहे आज ऊपर और नीचे में? ये 2638 बीघा अपना था। जी। और नीचे में क्या दाम रहे हैं? नीचे का आइडिया नहीं। नीचे 2300 तक गया। नीचे 2300 तक। लहसुन की कीमतों पर नई फसल का असर साफ देखने को मिल रहा है। लहसुन की कीमतें पिछले करीब 3 महीने के न्यूनतम स्तरों पर पहुंच गई हैं। लहसुन की कीमतें जहां पर 30,000 रुपए प्रति क्विंटल पिछले 15 दिन पहले देखने को मिल रही थी, लुढ़क करके 8,000 रुपए से और 15,000 रुपए प्रति क्विंटल पर देखी जा रही हैं। वहीं अगर ऊटी क्वालिटी का लहसुन देखा जाए तो ऊटी क्वालिटी के लहसुन की कीमतें 16,600 रुपए प्रति क्विंटल बोली गई हैं। मध्य प्रदेश की मंडियों के अंदर इस समय पर अराइवल्स का दबाव लगातार बढ़ रहा है। करीब करीब इंदौर की अगर मैं मंडी की बात करूं तो गुरुवार को इंदौर की मंडी में 26,000 बैग लहसुन के देखने को मिले। देश की मंडियों में मेथी दाने की कीमतों में स्थिरता दर्ज की गई है। मंदसौर मंडी में मेथी दाने की 264 बोरी की आवक देखने को मिली। न्यूनतम क्वालिटी की मेथी 5,201 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि उच्चतम क्वालिटी की मेथी के भाव 6,300 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। आज बिकी 7,000। थोड़ी गीली अच्छी बढ़िया है मेथी। पुरानी मेथी है। ऊपर की मालूम नहीं है सर। तो ये पुरानी मेथी है जो 7,000 बिकी है। दादा, आज क्या भाव रहे होंगे उसने मंडी के अंदर? कौन कौन सी चीजें हैं? ये मेथी का भाव क्या है? ये मेथी का भाव है। ये मेथी की पर्ची है। मेथी ये मेथी गई है 5,740 की। तो ये जो है पुरानी मेथी है और 5,740 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ये मेथी गई है। मध्य प्रदेश की मंडियों में इसब गोल की इस समय पर अराइवल्स लिमिटेड देखने को मिल रही हैं, उनमें स्थिरता देखने को मिल रही है। इसब गोल की कीमतें 12,460 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज की गई। मंदसौर मंडी में 2 बोरी इसब गोल की आवक देखने को मिली, जिनका भाव 12,460 रुपए प्रति क्विंटल पर दिया गया। धनिया की नई आवक शुरू हो गई है। हालांकि धनिया की क्वालिटी में थोड़ा गीलापन देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद धनिया की कीमतें अच्छी बनी हुई हैं। अगर मध्य प्रदेश की मंडियों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की मंडियों में धनिया की कीमतों में 100 रुपए से 200 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई है। अगर मध्य प्रदेश की मंडियों की बात करें तो जहां पर बुधवार को 4,900 रुपए प्रति क्विंटल पर न्यूनतम भाव धनिया का देखने को मिला, वहीं गुरुवार को
5,000 रुपए प्रति इसकी बोली हुई और ऊपर में बोली 6,700 रुपए प्रति क्विंटल हुई, जिसके अंदर में 200 रुपए का इजाफा देखने को मिला। इस समय हम नीमच कृषि उपज मंडी में धनिया मंडी में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ के व्यापारी हैं नवल जी। नवल जी मित्तल से जानेंगे कि किस तरह का मंडी में धनिया का रिस्पांस मिल रहा है, क्या चल रहा है धनिया में। भाई नीमच मंडी पिछले 5-10 सालों में धनिया में भी एक अच्छी मंडी हुई है बड़ी। यहाँ पे भी प्रतिदिन कम से कम अच्छी सीजन में 4-5 हज़ार बोरी आता है। इस साल कुछ धनिया की पैदावार कम है, आमना रूपी लोगों का ध्यान बहुत तेज़ है, किंतु पुराना कैरी फॉरवर्ड होने से थोड़ा सा दबाव है। वैसे माल इस साल कम हुआ है और लोगों का ध्यान काफ़ी तेज़ है। वैसे अभी किसानों को भी भरपूर पैसा मिल रहा है, गीले माल का पैसा 50 से 60 रुपया उसको मिल रहा है, इसकी कीमत कम नहीं है, कीमत तो बहुत अधिक है। तो अभी धनिया कहाँ तक जा रहा है, अधिकतम और न्यूनतम? अभी न्यूनतम 50 रुपये है, ऊँचे में 70 रुपये का भाव है। लोगों का ध्यान है आगे भविष्य में, इसका ध्यान 100 रुपये का लोगों का है। ऐसे में जो भी स्टॉकिस्ट सक्रिय हो गए हैं, अब क्या है लहसुन का पैसा किसानों के पास भी खूब आया है, लहसुन में मोटी कमाई हुई है, तो वो पैसे को कम भाव की जो जींस है उसको लेके किसान भी स्टॉक करने। देश की सबसे बड़ी औषधि मंडी में सरफगंधा की कीमत 54,000 रुपये प्रति क्विंटल बोली गई। जानकार मान रहे हैं कि सरफगंधा की कीमतें 60,000 रुपये प्रति क्विंटल का स्तर जल्द ही छू सकती हैं। दवा कंपनियों से इसकी नई मांग निकलने की उम्मीद जताई जा रही है। एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक सरफगंधा कई तरह की बीमारियों को दूर करने में कारगर है, जिसके चलते जल्द ही दवा कंपनियों की तरफ से इसकी एक अच्छी खासी मांग बाजार में आ सकती है और कीमतें 60,000 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर को पार कर सकती हैं। और मेरे साथ ये जिसकी उपज है जो किसान वो है, पहले तो भैया नाम बताओ आपका। रघुनंदन धाकड़। अच्छा धाकड़ साहब, हाँ। कहाँ से आए आप? धमनार से। धमनार कहाँ? मंदसौर जिला। तो ये वहाँ नहीं बिकता क्या? मंदसौर वहाँ नहीं बिकता, नीमच मंडी औषधि फसल नीमच मंडी में बिकता है। तो क्या क्या भाव गया है? क्या 54,500 499। तो कैसा कैसे? देश में थोक बाजारों में तारामीरा 4,500 रुपये प्रति क्विंटल पर बोला जा रहा है। तारामीरा की आवक फिलहाल कमजोर है लेकिन भाव स्थिर है। मध्य प्रदेश की मंडी मंदसौर में गुरुवार को तारामीरा 4,500 रुपये प्रति क्विंटल पर बोला गया। देश में सोयाबीन के किसान सोयाबीन की कीमतों में तेजी की उम्मीद लगाए हुए हैं। गुरुवार को मध्य प्रदेश की मंडियों में करीब 25,000 से ज्यादा बैग सोयाबीन की आवक देखने को मिली। भाव नीचे में 4,000 रुपए और ऊपर में 4,600 रुपए देखने को मिले। कारोबारियों का मानना है कि तेल की कीमतों में गिरावट और चुनावी सीजन के चलते सोयाबीन की कीमतों पर दबाव है। सरकार ने विदेशी पाम ऑयल के आयात पर भी शुल्क घटा दिया है, जिससे तिलन फसलों में गिरावट दर्ज की गई है। घरेलू किसानों ने सरकार से तिलन फसलों पर आयात शुल्क बढ़ाकर घरेलू किसानों के हितों की रक्षा की मांग की है। अगर रिपोर्ट पसंद आई हो तो मार्केट टाइम्स टीवी के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको मंडियों से जुड़ी हुई ताजा जानकारी जल्द से जल्द मुहैया हो सके।